Check it out. Check it out. Yes! Yes! No! Yes! Yes! Yes, boss! Check it out. हॉलीवुड वाले भी ना इतनी टचिंग और सेंटिमेंटल फिल्म्स बनाते हैं, हमारे बॉलीवुड वाले ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना सकते? माँ कौन सी पिक्चर देख रही थी? फॉर हर आईज ओनली। बेटा मैंने भी देखी है ये फिल्म, ये वही है ना जो जिसमें वो हीरो अपनी अंधी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसे अपनी आंखें दे देता है। करेक्ट करेक्ट, वही फिल्म है। ऐसे लविंग और केयरिंग हस्बैंड्स माँ कहाँ मिलते हैं आजकल? मिलते हैं ना, लेकिन सिर्फ किस्से कहानियों में और पिक्चरों में है। असली दुनिया में एक आदमी ऐसा है जो अपनी आंखें दे सकता है। तुम मोहन की बात कर रही हो ना माँ? किस शैतान का नाम ले लिया, मैं तो अपने वर्मा बेटे की बात कर रही थी। हाँ माँ, वर्मा साहब भी अपनी बीवी की बहुत केयर करते हैं। आई एम श्योर वक्त आने पर वो भी उसे अपनी आंखें दे सकते हैं। नहीं बेटा, सबसे ज्यादा केयर तो तुम्हारी करता है। क्या कल अगर तुम्हारी आंखों मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना तो वो तुम्हें अपनी आंखें दे देगा और ये मोहन आंख चुरा के भाग जाएगा। वो तो वक्त ही बताएगा माँ, कहो तो आजमा ले। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली। क्या बात है सर, किसकी आंखों की तारीफ हो रही है? कुछ नहीं मेरा जी, ऐसे नहीं। नहीं सर, बताइए ना, बताइए किसकी? नहीं मेरा जी, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप किसकी फोटो देख रहे थे। जानती हैं आप? किसके लिए बताइए ना। अपनी बीवी कविता जी की। धात तेरे, पूरे गाने का बैंड बजा दिया आपने मेरा। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कविता जी की आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। मेरा जी, खूबसूरत तो आपकी आंखें हैं, जो दिखती भी खूबसूरत हैं और देखती भी। कविता की आंखें तो इसलिए हैं कि नाक के बीच में दो आंखें होनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सर किसकी आंखों के लिए गाना गा रहे थे आप? आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं कहूं? बिल्कुल नहीं सर, कहिए। आपकी आंखों के लिए। सर आप तो हमेशा ना तारीफ करते रहते हैं। मेरा जी, आप तारीफ के काबिल हैं, इसे तारीफ करते हैं। सर एक बात बताइए। हाँ बताइए। अगर मेरी आंखों को मान लो कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत। नहीं सर, मैं कह रही हूँ मान लो, आई मीन हाइपोथेटिकली, अगर मेरी आंखों को कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे सर? मैं अपनी आंखें फोड़ लूंगा मेरा जी। सर इससे बेहतर तो ये होगा कि आप मुझे अपनी आंखें डोनेट कर दें। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरी आंखों से दुनिया देखेंगे मेरा जी। I'm obliged. And the bottom line is कि बस दिल करता है कि 24 घंटे आंखें बंद करके आपकी आंखों को देखता रहूं और सिर्फ देखता रहूं। काम कब करोगे? जी? काम कब करोगे? मेरे पास एक आइडिया है। मीरा जी की आंखों का क्लोजअप लीजिए और उसे ना अपने लैपटॉप का स्क्रीन शॉट बना दीजिए। दिन भर देखते रहना और काम भी करते रहना, है ना? है ना, है ना? आइए मेरे। Yes sir. Excuse me sir. खराब कर दिया। Anyway. तेरी जीन सी गहरी आँखों में मैंने देखा। सर क्या बात है, आप मेरी आंखों की तारीफ कर रहे हैं सर? क्या बात है, क्या बात है, क्या ले, क्या कर रहे हैं सर? क्या तेरी आंखों को खुलने का कोई हक नहीं होना सर, इन्हें बंद कर ले वरना मैं फोड़ दूंगा। सर कोई आया? मेरा नाम डाल। तेरा नाम? हाँ। सद्दू, एंटर। अबे ये देख, तू 11 बच्चों का बाप है। क्या लिखा है? क्या कर रहा है मेरे पीछे पे? अरे मोहन जी ये देखिए, इंटरनेट पे जबरदस्त साइट searchme.com। अच्छा क्या क्या होता है इसमें? मोहन जी ये साइट पे आप किसी भी हिंदुस्तानी आदमी का नाम डालिए, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। अच्छा मेरा डालना यार, मोहन श्रीवास्तव, एंटर। ये देखिए मोहन श्रीवास्तव, उम्र 40 साल, आजकल एडक्राफ्ट कंपनी में काम करता है, बहुत ही बेकार निकम्मा आदमी है और स्कूल से हर जगह से लात मार के निकाला गया है, फिर भी यहाँ पर टिका हुआ 30 साल से। यार ये एकदम बेकार है, एकदम।
पत्ते खोल देती है एक काम करते हैं वर्मा सब के पत्ते वर्मा सब का नाम विनोद वर्मा एंटर ये देखिए विनोद वर्मा वी शेप शक्ल का आदमी है एड क्राफ्ट का एमडी है अपनी और बीवी में इंटरेस्ट नहीं है दूसरे बीवी में लाइन मारता है मीरा श्रीवास्तव के ऊपर आजकल लाइन मार रहा है कौन सी साइड देखी जा रही है मुझे आपसे जरा मुझे काम अब बोलिए सर अब वो शाम की दो सिनेमा की टिकट चाहिए थी मुझे वो नई फिल्म लगी है ना वो इश्क मैंने यूं ही किया सर किसके साथ जा रहे हैं फिल्म देखने सवाल मत पूछिए जितना कह रहा हूँ उतना कीजिए बस आप समझे नहीं सर अगर कोई मेल साथ में है तो कहीं से भी टिकट ले लूंगा फीमेल है तो कोने वाले पकड़ूंगा ना सर जी ऑब्वियसली कोने की सीट चाहिए कविता तुम क्या कर रही हो यहाँ मुझे देखकर ऐसे क्यों चौंक रहे हो जैसे आठवें अजूबे को देख लिया हो एनीवेज Thank you, darling. Mm-hmm. Thank you for what? Aren't you taking me for a film? Yeah. Mohan ji, you were saying that last row, the last row seat, take two tickets. Oh, I understand. Hello? Haan ji, bol raha hu. Kya? What? Kya hua, Mohan ji? I don't believe it. Kya hua, Mohan ji? Mohan ji, kya hua? सर जिस टैक्सी में मीरा मैडम सर जा रही थी अपनी मीटिंग के लिए उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया सर ओह माय गॉड और चोट सिर्फ मीरा मैडम की आंखों पे आई है सर ओह माय गॉड शी हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज यस शी हैज नयन तुझे पता है ना क्या कहना है अरे मीरा नॉट टू वरी तुम भूल गई कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी तो किया करता था माँ ऑफिस में सबको पता चल चुका होगा ना कि मेरी आंखें डैमेज हो गई हैं तो कोई अब तक मिलने क्यों नहीं आया आ जाएंगे बेटा देख अभी लाइन लग जाएगी भगवान तूने ये क्या किया भगवान मेरी बेटी का पैर ले लेता कान ले लेता हाथ ले लेता लेकिन भरी जवानी में आंखें कैसे से काम लो आपका बेटा आपके साथ है बाजी बेटे किधर अपने नाम तो भेजते वृद्धा आश्रम और दूसरे की माँ को बेटा बना बेटा आंटी जी मैं आपका बेटा मैं आपका साथ दूंगा डोंट वरी ओके लेकिन लेकिन पहले तो ये तो पूछे कि हुआ क्या है डॉक्टर साहब क्या हुआ मैडम को देखिए एक्सीडेंट की वजह से इन्हें इंटरनल इंजरीज हुई है जिसकी वजह से ये देख नहीं सकते इंजरीज डॉक्टर साहब खून तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आप कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं इंटरनल इंजरीज अंदरूनी चोटें आई हैं उनको लेकिन डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना देखिए बैंगलोर से रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता सकता हूँ आप एक काम कीजिए तब तक आप इन्हें घर ले जा सकते हैं ओके सर जी जी मेरा जी आई एम वेरी सॉरी सर आपकी फेवरेट आंखों की देखभाल में नहीं कर सकी सर मेरा जी भगवान को न जाने क्या सोचे कि आपकी इतनी हसीन खूबसूरत आंखें ले ली इस दुनिया में कितनी औरतें किसी की आंख ले लेता लेकिन आप ये क्यों विनोद ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है ओके तुम ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम्हारी आंखें चली गई मेरा जी आई एम रियली वेरी सॉरी मगर इतना बड़ा हादसा हो गया इनके हस्बैंड बड्डी जी दिखाई नहीं दे रहे दामाद जी मुशायरे के लिए शहर से बाहर गए हैं तू जब भी घर में कोई एक्सीडेंट होता है वो मुशायरे के लिए बाहर ही होते हैं अब देखभाल कौन करेगा इनकी मैं हूँ ना सर मैं हूँ आई एम द ऑफिशियल नॉमिनी ऑफ सर मैं फर्स्ट नॉमिनी हूँ मैं देखभाल करूंगा इनकी अच्छा तो मेरी देखभाल कौन करेगा तुम घर चलो चलो यहाँ से हाँ जी अच्छा इनकी अच्छी तरह से देखभाल करना और जब भी कुछ चाहिए ना तो मुझे बता देना ओके डोंट वरी सर मेरा डाली तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा मैं हूँ मैं जिंदा हूँ तुम्हारी देखभाल हे भगवान ये क्या कर दिया तूने तूने मेरे पापों की सजा मेरी बीवी को ही डाली भगवान बिल्कुल सही कह रहे तुम तुम्हारे पापों की सजा भुगत रही है मेरी मासूम बच्ची मैं भगवान से बात कर रहा हूँ ना क्यों डिस्टर्ब कर रही है मुझे करूंगी जरूर डिस्टर्ब करूंगी क्योंकि पूरी दुनिया की सारी माओं से मैं चीख चीख के कहूंगी सुनो मेरी बहनों सुनो अपनी बेटी की शादी जरूर करो करो लेकिन पहले आंख खोल के देखो कि कहीं लड़का ऐसा तो नहीं पहुंच जाता मीरा क्या कर रही हो तुम अंदर से बाहर क्यों आई मीरा मुझे बुला लिया होता मोहन मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है क्या करूं सजनी लेकिन मीरा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम सीरियल कैसे देखोगी
हाँ मोहन, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी तो नहीं 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 मीरा नहीं, तुम सीरियल देखोगी मेरी आंखों से, मैं तुम्हारा संजय बनूंगा मीरा। ये संजय कौन? अरे महाभारत नहीं देखी क्या? उसमें रहता ना मोटा सा, वो अंधे राजा को चूरी बोलता है। अच्छा अच्छा वो संजय। हाँ मेरा शुरू हो गया। हो गया? हाँ शुरू हो गया, अभी भी टाइटल खत्म हुए हैं। अच्छा। ये हीरो आ गया, हीरो। ओह। सोया हुआ अब तक, दिन के 12 बज गए कि सोया हुआ है। ये उठाओ लंगड़ाई। लेकिन मेरा उसके चेहरे के 12 बजे हुए हैं। अच्छा। ऐसा लगता है देखे कि प्रोड्यूसर ने उसको 1 साल से पेमेंट नहीं दिया है। ये क्या मेरा हीरोइन आई? हीरोइन आ गई। लेकिन हीरोइन का नाम तो वही है शकुंतला, लेकिन चेहरा बदल गया है। अच्छा। ये हीरो को बोल रहा है कि तुमने अमेरिका जाके अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवा ली? लगता है पुरानी जो पुरानी हीरोइन थी वो छोड़कर चली गई है। नहीं निकली है इन्होंने, बहुत चालू लोग हैं ये लोग सीरियल वाले। और ये हीरोइन उसके पास आई और हीरो ने हीरोइन को अपनी बाहों में भर लिया। हाँ। और बोला आई लव यू। हाँ। और अपने होंठ उसके होंठ के पास लेकर गया, ले गया और पास और पास और पास। क्या हुआ तुम चुप क्यों हो गए? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। क्या हुआ आरती? मीरा जी के साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है ना। आई नो, अब मीरा जी कभी भी कोई भी सेल नहीं देख पाएंगी। और पता है जब भी सेल लगती थी तो वही मुझे टिप्स देती थी हमेशा। उनके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हें सेल की पड़ी है। गर्ल्स, मीरा जी आ गई क्या? सर ऐसी हालत में वो कैसे आ पाएगी? कम ऑन, शी रन अवे। मेरी बात हुई है फोन पे। पुष्पा दो। पुष्पा यस सर। जैसे मीरा जी ऑफिस में आए उन्हें मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर। आई डोंट थिंक सो मीरा मैडम ऐसी हालत में ऑफिस आ पाएंगी। हाँ उनको तो रेस्ट लेना चाहिए। अगर उनकी जगह मैं होता ना तो 1 साल की रेस्ट लेता सर। तुम लाइफ टाइम रेस्ट। गलत गलत समय। सर मुझे कोई शौक नहीं है, मैडम अंधी हो चुकी है, मैं मैडम को सहारा दे रहा हूँ। वो सहारा बस हो गया बेटे, अब तेरी बारी, तू चार्ज ले ले, आज तो ये तेरी जिम्मेदारी बेटे। चले गए, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं मेरा जी, मैं आइए ना, आइए ना, इधर आइए, इधर ये कहाँ आ गए? अरे चलिए तो सही बताता हूँ मैं कहाँ। कमीना कहीं का, मीरा की आंखों की रोशनी चली गई पर इसकी उम्मीद की किरण नहीं बुझी। पिता मीरा जी बैठिए 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 जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं आपको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, आपकी आंखों का इलाज कराऊंगा, एंड आई एम श्योर कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मीरा जी थैंक यू सर। मीरा जी जब से आपकी आंखों की रोशनी गई है मीरा जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। इधर उधर कल रात में इतना रोया मीरा जी कि पूरा बिस्तरा गीला हो। कविता मुझसे पूछने लगी सुबह कि बिस्तरा गीला क्यों हुआ, तो मैं उसे ये भी नहीं कह सका कि मेरे आंसू है और ये भी नहीं कह सका कि कुछ और है। अच्छा अच्छा मैं समझ गई हम लोग। देख बेटी मैंने कहती थी, मैं शुरू से कहती थी तेरा कोई अगर अच्छा और सच्चा दोस्त है तो सिर्फ मेरा वर्मा बेटा। सच्चा और अच्छे के साथ साथ समझदार भी आंटी जी। मीरा जी का एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी हुआ है और मैं कंपनी के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि इनको कंपनसेट किया जाए। मतलब ये हो सकता है? ऑफ कोर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा रफली रफली कितना हो सकता है? 5 से 7 के बीच में आंटी जी। 5,000? 5 लाख की बात कर रहा हूँ। बेटे मैंने ना एक वो अच्छा सा नेकलेस देखा है सामने की दुकान में, अब मैं क्या करती हूँ, मैं 100 रुपए देके उसे रोक लेती हूँ। हाँ, और फिर बाद में वो मेरे कंपनसेट करेंगे तब दे दूँगा। मैं जा रही हूँ बेटा, जा रही हूँ, नहीं तो रुकेगा नहीं। मीरा जी मैं क्या कह रहा था कि अब आप इतनी डेलिकेट इतनी फ्रेजाइल हो गई हैं, आपको एक सहारे की जरूरत है, तो क्यों ना आपके लिए एक आया रख लें। एक्सक्यूज मी सर, जब तक मोहन श्रीवास्तव जिंदा है मैडम को आया की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों आप आया का काम भी करते हैं? मेरा मतलब है मैं उनका सहारा हूँ सर, मैं उनका सहारा हूँ। सर सर प्लीज आप झगड़ा मत कीजिए, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। आई अंडरस्टैंड। मीरा जी। जी सर। कैसा फील कर रही है आप? सर अंधेरे में कैसा फील हो सकता है सर? आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मगर क्या करें, अभी भी तो चलाना है ना, डायमंड शूटिंग वाले के साथ मीटिंग है, आप वर्मा जी के साथ चले जाइए प्लीज। ओके सर। बाकी सब काम तो वर्मा जी कर लेंगे, बट योर प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। हाँ सर प्रेजेंटेशन रेडी है, मैं चली जाऊंगी उनके साथ। गुड गुड। एक्सक्यूज मी सर, मैं भी जाऊंगा मैडम के साथ। क्यों आप क्यों जाएंगे? क्योंकि इस कंडीशन में मैं मीरा मैडम को वर्मा साहब के साथ अकेला नहीं भेज सकता। कौन सी कंडीशन में भाई? सर आप जानते नहीं कितना मुश्किल है मैडम को हैंडल करना। डू यू नो इट सर? सर अभी जब आ रहे थे 3 बार ये गिरी है सर, मैंने 3 बार उठा के गाड़ी में बिठाया उसको, और तो और नीचे कुत्ता खड़ा था सर, मैडम ने कुत्ते की पूंछ से पांव रख दिया, वो कुत्ता भी अंधा था, उसने मुझे काट लिया सर। ये यहां काटा, देखिए देखिए यहां काटा, मैडम के सामने यहां काटा, मुझे नंगे होकर मैडम के सामने लेगा। मैडम अंधी है सर, वो देख नहीं सकती है, तो क्या हमें अंधा करेंगे? छोटी छोटी बातें हैं, वर्मा जी हैंडल कर लेंगे। क्यों वर्मा जी आप ले जाइए,
मीरा जी को। देखिए मैं क्या कह रहा था सर कि मैडम पूछ नहीं सकते तो क्या इनको किसी के सामने लेकर ना कितना एम्बैरेसिंग होगा सर, तो मैं अकेले मैनेज कर लूंगा और मीरा जी मैं आपको आके रिपोर्ट दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। देख लिया आपने मीरा मैडम कितने अच्छे और सच्चे दोस्त हैं आपके वर्मा साहब। मोहन जी देखिए मैं कुछ नहीं जानती, मैं मुझे यहाँ पर ना घुटन सी हो रही है, आप मुझे कहीं बाहर ले जाइए घुमाने के लिए। ऑफ कोर्स सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं मैडम को पिक्चर दिखा लाऊं। देख नहीं सकती, उनको पिक्चर दिखाने ले जा रहे हो। सॉरी आओ मीरा कहीं और चलते हैं। मीरा बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि तुम्हारे साथ इस रेस्टोरेंट में आकर मैं बैठूं और कुछ खाऊं पीऊं, और आज वो दिन आ गया मीरा, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी आंखों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं मोहन, मेरी आंखें मेरे साथ ना हो तो क्या हुआ, तुम तो मेरे साथ हो ना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें पटाया है, तुम्हें बचाया है वर्मा से, हमेशा हमेशा। एक वक्त था कि मैं अपनी क्रिएटिव हेड मीरा जी के साथ यहाँ बहुत आया करता, हमने घंटों बिताया यहाँ, कभी वो कुछ कहती थी कभी मैं कुछ सुनता था कभी मैं कुछ कहता था। एनीवे सो यादें मतलब अब वो नहीं रही हैं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई, ले जाने लायक रही नहीं है। अरे ये क्या, अगर मैं गलती नहीं करूं तो सामने जो बैठी है वो मीरा जी तो है। लेकिन हमें क्या करना, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। हाँ मैं ये कह रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आंखें गई हैं, हाथ ही टूटे हैं। क्या हाथ से खिला रहा है ये मर्दूत सिंह, आप क्या कह रहे हैं? लेट्स स्टार्ट द मीटिंग यार, चलो हम मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ तो यू कह रहे हो, हाँ हमारे बॉस है जो मिस्टर खन्ना, वो ये चाहते हैं कमीना निकम्मा पे। आप हमारे बॉस के बारे में क्या कह रहे हैं? बॉस के बारे में नहीं, वो जो चमचा बैठा ना सामने उसके बारे में क्या। एनीवे Let's go somewhere else. कमाल है वर्मा जी, मैं कुछ कह रहा हूँ आप कुछ और कह रहे हैं। I hate this place. क्यों, अभी तो कह रहे थे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं झूठ बोल रहा था, I have to go somewhere else. अरे वर्मा जी, मिस्टर वर्मा, वर्मा मेरी बात सुनो, मैं कोई बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे पीछे हर रेस्टोरेंट में घूमता फिरूं। मीटिंग करनी है तो यही मैं करता, वरना नहीं करता मैं चला। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल विद योर प्रोडक्ट। लो मीरा, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का फ्रेश जूस बनाया है। कहते हैं कि गाजर का जूस आंखों के लिए मुफीद होता है। मोहन तुम कितने केयरिंग हस्बैंड हो, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। मीरा तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका ख्याल रखूंगा, तुम्हारी माँ का। मेरा भी तो ख्याल रख सकते हो, मैं भी तो सीनियर सिटीजन हूँ ना बेटा। एक शर्त पर रखूंगा तुम्हारा ख्याल, अगर तुम अपनी आंखें निकाल कर मीरा को डोनेट कर दोगे। करूंगी बेटा, वो मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ, उसमें क्या है। लेकिन क्या करूँ, मेरा और मीरा का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है ना बेटा। मीरा जी ओहो, तो आपकी चमचागिरी फुल स्विंग पर है। मीरा जी मैं पर्सनली माफी मांगने आया हूँ आपसे कि वो मैंने ऑफिस में बदतमीजी की आपके साथ और आपको मेरे साथ मीटिंग में नहीं ले गया, इसलिए मैं पर्सनली आया हूँ कि मैं सॉरी कह सकूँ। आई एम रियली सॉरी मीरा जी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। अरे बेटा वो डॉक्टर नयन कुमार आने वाले थे ना बेंगलोर से तुम्हारे रिपोर्ट्स लेके। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नयन कुमार से? ये मीरा जी की रिपोर्ट। क्या कहती है ये रिपोर्ट? सॉरी टू से माँ जी, इनकी आंखों की नर्व्स बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, अब ये जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर साहब कोई उपाय तो होगा इसका? उपाय है, कोई इनको अपनी आंखें दान दे तो ये फिर से देख पाएंगे। डॉक्टर साहब मैं अपनी आंखें डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरी आंखें निकाल के मैडम पर लगा दीजिए प्लीज। वेरी गुड, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी नेगेटिव। नहीं चलेगा, इनका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव। आपका ब्लड भी नेगेटिव है। अगर ओ पॉजिटिव वाला कोई भी इंसान अपनी आंखें दान देना चाहे तो मुझे फोन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे। अच्छा आई मेक मोर जी। आप ओ पॉजिटिव डोनर कहाँ से लेके आएंगे? आई डोंट नो, कहाँ से लेके है ना, एक इंसान है आपकी नजर में है। कौन 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 आंटी जी? कौन तुम? अरे वर्मा बेटे तुमने नहीं कहा था मुझे कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? लेकिन क्या है कि मेरी तो आंखें होना ना होना बराबर है आंटी जी, इतना बड़ा चश्मा लगा हुआ देखिए, आई कांट सी, और रात को तो मुझे कुछ दिखता भी नहीं है, तो इन आंखों को कुछ फायदा नहीं। सर 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 एक मिनट, कोई बात नहीं सर, आखिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपके पास दो आंखें हैं,
आप मुझे एक दे दीजिए और एक आप। She's right, sir. एक आप रखिएगा। क्या बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? मेरी आंखें हैं, कोई कंचे की गोलियां नहीं कि निकालो और खेलने लगे। खलखाप वाली की टांग दे दो, हाथ दे दो, कान दे दो, मैं तो आधा हो जाऊंगा आपके चक्कर में। ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए अपनी आंखें फोड़ देंगे। मैंने जरूर कहा होगा, किसी वीकर मोमेंट में कह दिया होगा मैंने। अब मैं आदमी हूँ और आई एम श्योर कि आई डिडंट मीन इट। ऑफ कोर्स आई डिडंट मीन इट। भगवान, ये तेरी कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है प्रभु। एक आदमी यहाँ खड़ा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव आदमी है, वो अपनी आंखें डोनेट करना चाहता है मैडम को। दूसरा आदमी यहाँ खड़ा जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन वो लाइफ में नेगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है पर आंखें नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है प्रभु। ये कैसी विडंबना, जी में आता है कि मैं भी अपनी आंखें फोड़ लूं और अंधा हो जाऊं। ठीक है, फोड़ लूंगा। रुक जाइए मोहन जी, रुक जाइए। देख लिया मम्मी, मोहन जी जैसा केयरिंग दोस्त मुझे दुनिया में नहीं मिल सकता। सर, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ठीक हूं, अच्छी तरह से देख सकती हूं। क्या? You can see? हाँ, मम्मी और मैं सिर्फ आप दोनों का टेस्ट दे रहे थे। टेस्ट दे रहे थे? हाँ, लेकिन वर्मा बेटे, इस बार तुम हार गए, मेरी नाक कटवा दी तुमने। मोहन जी, I love you. I love you too. What? Everything.